अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। डोल 11 पर पुजारी ने भगवान नृसिंह की 7.5 किलो वजनी पाषाण प्रतिमा को 3 बार भमोरी नदी में तैराया। तीनों बार भगवान की प्रतिमा पानी पर तैरी। हजारों की संख्या में महिला एवं पुरुषों ने पानी पर तैरती हुई प्रतिमा के नजारे को देखा। डोल 11 के अवसर पर जिले हाटपीपल्या में नृसिंह घाट पर भगवान नृसिंह की 7.5 किलो वजनी पाषाण प्रतिमा भमोरी नदी में पारंपरिक रूप से डाली गई। प्रतिमा तैरने लगी। ऐसा 3 बार किया गया। तीनों बार तैरती रही भगवान नरसिंह की प्रतिमा। स्थानीय लोगों ने बताया कि प्रतिमा तैरने का अर्थ है कि आने वाला साल अच्छा रहेगा। प्रतिमा के तैरते ही घाट पर मौजूद हजारों लोगों ने भगवान नृसिंह के जयकारे लगाए। मंगलवार को नृसिंह मंदिर के सभी मंदिरों के डोल घाट पर एकत्रित हुए, जहां सभी पुजारियों ने स्नान कर नदी की पूजा की। उसके बाद पंडित सुरेश वैष्णव ने दीपक जलाकर नदी में छोड़ा। प्रतिमा को इस बार पंडित द्वारा मंत्रोच्चार के साथ 3 बार नदी में डाला गया। तीनों बार प्रतिमा तैरने लगी। हाटपीपल्या में दोपहर 3 बजे से ही घाट पर श्रद्धालु जुटने लगे थे। घाट पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। आसपास से यह नजारा देखने के लिए पहुंचे थे। जानकारों के अनुसार हर वर्ष डोल 11 पर प्रतिमा को 3 बार पानी में तैराया जाता है। जितनी बार प्रतिमा तैर जाती है उससे आने वाले वर्ष का आकलन किया जाता है। इस बार प्रतिमा 3 बार पानी पर तैरती रही, जिससे कहा जा रहा है आने वाले वर्ष अच्छा रहेगा।